हमारी माता मेरी पीर हरो। हेलो, आइए आइए, खुश रहिए खुश रहिए। हाँ, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं पंडित जी, कोई तकलीफ नहीं, बस बच्चों की शादी के बाद उन्हें माता भंडोरी के दर्शन के लिए लेकर आए। बेटा पहुँच हो ना जी, आयुष्मान भव। ये क्या श्रीमान, एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी आपने? पंडित जी आप लोग ही तो कहते हैं कि मनुष्य योनि पाने के लिए आदमी को 84 लाख योनि से गुजरना पड़ता है। मैंने तो इसकी मदद की है, मनुष्य योनि पाने के लिए उसकी एक योनि कम की है। आपका नाम क्या है श्रीमान? विजय बंसल। तो श्रीमान विजय बंसल जी, जो भी काम प्रकृति के विरुद्ध होता है वो कभी सही नहीं होता। ये जो इतना पॉल्यूशन, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम और आप इसके जिम्मेदार हैं? जानते हैं एक समय था जब एक आदमी के हिस्से में 16 पेड़ आया करते थे, और आज स्थिति यह है कि 16 आदमियों के हिस्से में मात्र एक ही पेड़ आता है। श्रीमान आज हम पानी की बोतल घर से लेकर निकलते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घर से निकलना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, मनुष्य उन्नति ना करे? हम आप क्यों बहस कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ये पंडित रमानंद शास्त्री जी हैं, आशीर्वाद लीजिए। ये आपके पति हैं? जी पंडित जी। ये बहुत समझदार है, सब समझते हैं, पता नहीं क्यों मानना नहीं चाहते। समय दूर नहीं है, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ समझ आएंगे। खुश रहिए जी पंडित जी, चलिए। चलो। मैं काम है। जय माता दी। वही कह रहे थे कि मनुष्य नहीं पाने के। पंडित जी इनकी अभी अभी शादी हुई है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्व साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी देव्ये नमोस्तुते। ओम श्री भ्राम्री देवी देव्ये नमोस्तुते। ओम श्री भ्राम्री देव्ये नमोस्तुते। ब्रह्मरी माता, ब्रह्मरी माता मेरी पीर हरो। अखंड सौभाग्यवती भव, सुखी रहो सुखी रहो। पंडित जी दक्षिणा, आप बाहर जाइए, कन्या पूजन कर लीजिए। जी। प्रेम से बोलिए बनवरी मात की। प्राचीन काल की बात है, इस जगह पे घनघोर वन हुआ करता था। ऋषि मुनि यहां यज्ञ तप किया करते थे। उसी समय एक महापापी प्रकर्मी अरुण नाम का दैत्य पाताल लोक में रहा करता था। वो ऋषि मुनियों से, देवताओं से द्वेष रखता था, उन पे विजय प्राप्त करना चाहता था। प्रेम से बोलिए भनवोरी मात की। एक बार उसने क्या किया कि हिमालय पर्वत पे जाके ब्रह्मा जी के नाम से यज्ञ किया। 10,000 वर्ष तक कठोर यज्ञ किया, 10,000 वर्ष तक। तत्पश्चात उसने जल ग्रहण किया, फिर 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। उसके बाद उसने निराहार 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इतना यज्ञ और तप करने के बाद उस नीच दैत्य की देह से अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि से वन जलने लगे, विनाश होने लगा,
पशु पक्षी और ऋषि मुनियों को कष्ट होने लगा, तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि एक दैत्य आपका यज्ञ कर रहा है जिसके कारण सृष्टि पे कष्ट आ रहा है। ब्रह्मा जी माता गायत्री के साथ अपने हंस पर बैठकर उस दैत्य अरुण के पास पहुंचे। अरुण से कहा कि हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हैं, आंखें खोलो। उस दुष्ट दैत्य ने आंखें खोली। ब्रह्मा जी ने कहा के मांगो, क्या मांगते हो? जानते हैं उस दुष्ट ने क्या मांगा? उस दैत्य अरुण ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वचन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि पे जो पैदा हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, मृत्यु तो अवश्य आने वाली है। तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई दो पैरों वाला मार सके, ना कोई चार पैरों वाला मार सके, ना मैं युद्ध में मरूं, ना रण में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद उस नीच दुष्ट अरुण नामक दैत्य ने देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोई यज्ञ तप नहीं कर सकता था, ईश्वर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था, पृथ्वी पे हाहाकार मचने लगी थी। इतना सब कुछ होने के बाद सारे ऋषि मुनि देवताओं के पास गए। फिर उसमें से प्रमुख देवता देवाधिदेव महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हमें और इस सृष्टि को इस पापी दुष्ट से बचाइए। महादेव ने कहा कि इस अरुण नामक दैत्य को वरदान है ब्रह्मा जी का। सब असहाय देख रहे थे कि क्या होगा, कैसे बचेगी हमारी ये पृथ्वी, ये सृष्टि। तभी आकाशवाणी हुई कि आप सबको माता भनगोरी की शरण में जाना होगा। इस दैत्य से, इस राक्षस से हमारी और हमारी सृष्टि की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भनगोरी माता ही कर सकती है। सभी देवताओं ने भनगोरी माता का ध्यान किया। भनगोरी माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी देह से भ्रमरों को निकालना शुरू किया और उन सभी भ्रमरों ने मिलकर उस दुष्ट अरुण नामक दैत्य का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए भनगोरी माता की जय। सारी सृष्टि को बड़ी बड़ी शांति मिली और सारे ऋषियों ने, देवताओं ने माता से आग्रह किया कि आप यहीं विराजमान हैं। तब से लेकर आज तक माता प्रतिमा के रूप में इसी मंदिर में स्थापित है। श्रीमान, 5 मिनट किसी से फोन पर बात करके आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, लेकिन अगर 5 मिनट माता की सेवा में, माता के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रेम से बोलिए भनगोरी माता की जय। भनगोरी माता की जय। भनगोरी माता की जय। आपकी बेटी लक्ष्मी को बुलाइए, वो भी कन्या का रूप है, उसका भी पूजन कीजिए। हाँ ठीक है। नारायण नारायण, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो माते। हे वनभोरी माँ, हे दुर्गे, हे करुणा सिंधु, हे महेश्वरी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप उस मनुष्य की पूजा स्वीकार कर रही हैं जो आपका भक्त है ही नहीं, जिस मनुष्य को न तंत्र का ज्ञान है, न मंत्र का, न यंत्र का, ना वो पूजा की किसी विधि को जानता है, ना किसी आवाहन की विधि को जानता है, ना ही उसे कोई स्तोत्र आता है, ना ही कोई श्लोक। और तो और माते, उस मनुष्य को तो आपके व्रत और कथा तक की जानकारी नहीं है। मुनिवर, आप विजय बंसल की बात कर रहे हैं? अपने मुखमंडल पर असंख्य चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली हे अंतर्यामी माँ,
आप सत्य कह रही हैं, परंतु माते आपके कथनानुसार तो आप उसी मनुष्य की पूजा स्वीकार करती हैं जो सच्चे मन से और पूरी विधि के साथ आपकी पूजा करे। फिर मैं ये परम आश्चर्य कैसे देख रहा हूँ माते? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, जब तक कोई मनुष्य पूरी विधि के साथ मेरी पूजा नहीं करता उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। परंतु जैसे लोहा पानी में डूब जाता है और वही लोहा लकड़ी के साथ मिलकर पानी में तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब दो व्यक्ति पाणी ग्रहण संस्कार के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका भाग्य भी जुड़ जाता है। ये व्यक्ति मेरी भक्त सुवर्णा का पति है, इसलिए इन दोनों का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण, आज ये ज्ञान पाके मैं धन्य हो गया माते। परंतु माते, भाग्य के जुड़ने के कारण सुख दुख पाप पुण्य सब में ये दोनों समान भागीदार होंगे ना? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, ये व्यक्ति बहुत ही जल्द हमारा परम भक्त बनने वाला है। सदैव शंका का चिंतन करने वाले मेरे इस मन के अपराध को क्षमा करना माते, परंतु मैं उस क्षण की प्रतीक्षा अवश्य करूंगा जब ये मनुष्य आपका भक्त बनेगा। अवश्य मुनिवर, वो क्षण जरूर आएगा। नारायण नारायण, तब तो बंसल परिवार की इस कथा को ध्यान से देखना पड़ेगा। नारायण नारायण, कल्याण हो। मैं रोहतक जा रहा हूँ, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, ठीक है? सुनिए, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आप लक्ष्मी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? कल भी आपने क्या किया? बच्ची है वो, ना समझ है, क्या असर पड़ेगा उस पर? तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस दिन से लड़की पैदा हुई है मेरी जिंदगी में एक पल खुशी का नहीं रहा। न कभी आराम से सो पाया, न कभी कुछ कर पाया, और मुझे मिला क्या? मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, मेरा भी वंश आगे बढ़े, पर हुआ क्या? ये पैदा हो गई, जिस दिन पैदा हुई उस दिन मेरी माँ, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पांच बना दिया, और तो और हमारा पूरा घर जल के खाक हो गया। इतना होने के बावजूद भी वो इस घर में है, इतना काफी नहीं है? 8 साल हो गए तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम बेटा ना होने का दोषी मुझे क्यों ठहराते हो? सारी दुनिया जानती है बेटी या बेटा होना पुरुष के हाथ में है, औरत के नहीं। और तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार कहते हो? लानत है तुम्हारी समझदारी पर, जो एक हादसे को और अपनी की हुई गलतियों का दोषी अपनी बेटी को ठहराता है। तुम जैसे आदमियों की वजह से ही औरतों को अपने कोख में ही अपनी बेटियों को मरवाना पड़ता है। तुम्हारे जैसे आदमियों की वजह से आज भ्रूण हत्याएं हो रही है। देखना तुम एक दिन, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, देख लेना तुम एक दिन। समाज में बेटा बेटी का फर्क रहा है और हमेशा रहेगा। जीवन में कितनी भी परेशानियां हुई, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुमसे पूछती हूं मां, तुझे बताना होगा कि मेरी आस्था में कहां कमी रह गई थी, ऐसी कौन सी भूल हो गई पूजा में जो तूने मेरे जीवन में इतने कष्ट लिख दिए।
अगर तू है माँ तो अपना चमत्कार दिखा, ताकि जो तेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते वो तुझे मानने लगे। और अगर तू सच में ऐसा नहीं कर सकती तो नहीं जीना मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। लोग कहते हैं माँ कि तू सबके कष्ट दूर करती है, मेरे भी कष्ट दूर करते माँ। चाची अपने आप को संभालो, आप तो हमें समझाती हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माँ के होने पर किसी को कोई संदेह नहीं है चाची, ना कभी ऐसा संदेह था और ना ही कभी होगा। अगर माँ ना होती तो तुम ही बताओ वो कौन है जो हवा चलाता, जो फूलों में रंग भरा, जो इतनी ऊंचाई पर भी नारियल के फल में पानी भर देता है। बताओ चाची कौन है वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है? आप परेशान मत हो चाची, मैं सब ठीक करेगी। हाँ ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो है दुर्गे माता। चाची मुझे कॉलेज जाना, आप अपने आप को संभालो। पीर हरो ए मैया मेरी मुझ पर दया करो। जीना नहीं चाहती हूँ माँ, मैं जीना नहीं चाहती। मम्मा, मम्मा आप रो रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो हैप्पी भाई को मैंने बोल दिया कि संजय पैसे दे देगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चुपचाप संजय को हैप्पी भाई के वाले कर दे, नहीं तो तू नहीं जानता। कुछ करना पड़ेगा संजय। अरे यार कहां फंसा दिया मुझे, तेरे चक्कर में मैं भी हैप्पी भाई के चंगुल में फंस गया हूं। ओके ओके बात सुन, उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी स्कीम है, तो ऐसा कर बेवा चौक पे मुझे आके मिल। ओके वही मिलते हैं। ओके हैप्पी भाई, मैं बलबीर बोल रहा हूँ। हाँ वो संजय को मैंने बेवा चौक पे बुला लिया है, आप अपने आदमी को वहीं भिजवा दो। हाँ जी जी। चाची जी पानी लीजिए। चाची जी पानी पी लीजिए। हेलो चाची जी, क्या हुआ? पापा गए। क्या? पापा की बस खाई में गिर गए। क्या? हाँ? हे माँ, इनकी रक्षा करना। हे माँ, क्या करेंगे? मैडम, संजय सर कहाँ हैं? मुझे पता नहीं। क्या हुआ? वो ऑफिस से 3 लाख कैश लेकर गए थे। क्या? ड्राफ्ट बनवाने के लिए, लेकिन ना तो ड्राफ्ट पहुंचा और ना ही संजय सर का फोन लग रहा है। हेमा, हेमा संजय का कुछ नहीं पता, उसकी रक्षा करना माँ, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मुझे पता है संजय भैया कहाँ गए होंगे। वो कहाँ? भैया 3 लाख रुपए जुए में आ गए। वो एक गुंडा है हैप्पी, वो बहुत खतरनाक है चाची। देखी जाना वरना क्या होगा जानकर। चल भैया उसी को पैसे देने गए होंगे। हेलो जी,
चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? चाची जी आप चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। चाची जी चलिए, चाची जी चलिए, चलो। ऊपर आईसीयू में डॉक्टर, वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट। आप उस पेशेंट के रिलेटिव हैं? उनके सिर में काफी चोट आई हुई है, पेशेंट अनकॉन्शियस है। सर, एक बार मिल सकते हैं? नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते। अच्छा हुआ उन्हें एक बुढ़िया औरत यहाँ छोड़ गई थी, वरना बहुत खून बह जाता और पेशेंट कोमा में भी जा सकता था। डॉक्टर, आप ऐसा कीजिए, 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करा दें। डॉक्टर साहब, क्या मैं उस बुढ़िया औरत से मिल सकती हूँ? डॉक्टर साहब, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। बाद में मैंने उस औरत को नहीं देखा, वो कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, एक मिनट। सर, क्या हुआ? पे पैसे जमा कराने। कितने? 50,000। ठीक है जी, अभी करवा। ठीक है। श्यामलाल जी, हाँ, पता नहीं कौन से ग्रह खराब हैं बंसल परिवार के, एक ही समय में दो दो घटनाएं हो गई। हाँ भाई साहब, इस परिवार पे तो बहुत दुख आ गई। कब से जन्म लिया है मैंने, तेरी तेरी पूजी है, तेरी तेरी पूजी है, ऐसे दुख की घड़ी में मैया आस न कोई दूजी है, आस न कोई दूजी। ठीक 11:30 बजे इनको इंजेक्शन लगा दीजिएगा, मुझे इस बात का डर है कि कहीं पेशेंट कोमा में ना चला जाए। डॉक्टर, अब वो कैसे हैं कुछ बताइए ना। उनकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तक उनकी हालत सीरियस बनी हुई है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं कोमा में ना चला जाए। दो नंबर बेड के पेशेंट का इंजेक्शन का टाइम हो गया है, 10 मिनट के बाद आके लगा देना इसको, ठीक है? और ये बीपी वगैरह सब इसका नॉर्मल है जी। इसको पेन किलर दे दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, कोई काम है? ओके ओके सर। चंचल, मैं नीचे जाकर इंजेक्शन लेकर आती हूँ, इनका टाइम हो गया है, ठीक है? नर्स, पुष्पा, पुष्पा, वो इंजेक्शन इंजेक्ट तो नहीं किया? अभी अभी मुझे नीचे फार्मेसी में पता लगा कि नकली दवाइयों का कुछ स्टॉक हॉस्पिटल में आ गया, अगर ये इंजेक्शन इसको लग जाता तो। हे माद बम्बोरी, इनकी जान हमारी वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे की वजह से बची है जो मुझसे टकराई थी, अगर वो मुझसे ना टकराई होती तो मैं कब का इनको ये इंजेक्शन लगा चुकी होती। संजय, क्या हुआ आपको?
आपका? ये चोटें कैसे लगी? अरे कुछ तो बोलो संजय। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थे आप? हाँ। ये सब क्या हो गया बेटा? ये कैसे हुआ? और वो किरण क्या कह रही थी? वो 3 लाख, वो क्या है ये सब? चाची जी, किरण सही कह रही थी, मैंने वो 3 लाख रुपए हैप्पी भाई से लिए थे। हा? और वो मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, और जब मैं ऑफिस से बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए निकला, जा संजय जा और ये सारे पैसे हैप्पी भाई को दे दे और छुट्टी पा ले, ठीक है ये ठीक रहेगा। लेकिन पापा, पापा तो कहते रहे थे कि चाचा के साथ ईमानदारी से काम करना, मन लगा के काम करना। पापा से आंखें मिला पाएगा तू? नहीं, हैप्पी भाई को दे देता हूँ, वो ठीक रहेगा। पर पापा, क्या करूँ यार, हैप्पी भाई, पापा। हे माते, हे दुर्गे, तू ही मुझे अपराध दिखा, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, आप ही राह दिखाओ। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं खुद नहीं जानता कि मैंने क्या कर दिया, मैं इस भंवर में फंसा हूँ, आप ही मुझे निकाल सकते हो। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, हैप्पी भाई को दूँ या ड्राफ्ट बनवाने जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हैप्पी भाई को नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेगा, अगर ड्राफ्ट नहीं बनवाया तो मेरे पापा का विश्वास टूट जाएगा। आप तो माँ हो ना जगती, सबका ख्याल रखती हो, सब जानती हो, तो मुझे भी इस भंवर से आप ही निकालोगे। अब आप ही सही रास्ता दिखाओ, मुझे सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, सही रास्ता दिखाओ, मुझे इस भंवर से निकालो माँ, मुझे इस भंवर से निकालो। अब तेरी ही शरण में, तू ही नैया पार लगा सकती, सद्बुद्धि दो माँ। जय माता, जय माता। ये मेरे पैसे नहीं, ये ऑफिस के पैसे हैं, ऑफिस के। अच्छा तू मैं पागल समझता है क्या?
आप इंतजार कीजिए हमारा, हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से पुलिस फोर्स को भेजिए, जल्दी भेजिए ना। क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। चाची, किरण, मुझे माफ कर दो, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई, अब कभी ये गलती नहीं होगी। क्या पापा की बस? तुम चिंता मत करो, माता रानी सब अच्छा करेगी। फोन दो। हेलो हेलो, किरण किरण, पापा की बस जो खाई में अभी अंकुर से बात हुई, उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं है। किरण। हेलो, हाँ जी सर, अभी बात कराता हूँ सर, अभी कराता हूँ सर। सर संजय सर, आपके लिए फोन। हेलो, अरे मैं कब से तुम लोग को फोन कर रहा हूँ, तुम लोग का फोन क्यों नहीं लग रहा? पापा आप कहाँ हो? हम सब आपके लिए कितने परेशान हो रहे थे पापा। वो क्या है कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए फोन नहीं कर पाया। पापा आप जल्दी आ जाओ पापा। अरे ये तो माता रानी का शुक्र है हम सब बच गए, वो 11:40 की जो बस थी ना वो छूट गई। जय माता की, हम बस आ रहे आ रहे। माता रानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, भैया भी बिल्कुल ठीक है और पापा भी बच गए। देखना माता रानी फिर से चमत्कार करेगी, चाचा जी को कुछ नहीं होगा। चाची संभालो अपने आप को, चाची चाची। कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो? जरूर तुम पर माँ की कृपा है, तुम्हारी दोनों जान बच गई। तुम्हारी बेटी साक्षात देवी का रूप है, अगर आज वो ना होती तो शायद तुम भी ना होते। मेरी तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस दिन से लड़की पैदा हुई है मेरी जिंदगी में एक पल खुशी का नहीं। तुमको कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत बैठा करो, हैं? समझ में आता तुम्हारे? मैं बाहर जाकर बता देती हूँ कि तुम ठीक हो। आपके पेशेंट को होश आ गया, आप अंदर जा सकते हो। उनको होश आ गया। माँ ने अपना तीसरा चमत्कार भी दिखा दिया। आप ठीक तो है ना? मेरी माँ।
कभी समझ ही नहीं पाया कि बेटा भाग्य से मेरी माँ और बेटी सौभाग्य से पैदा हो गई, और जो सौभाग्य से पैदा हो मेरी माँ अभागी कैसे हो सकती है। साथ चलते हैं। हाँ ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो, है दुर्गे माता है माता मेरी पीर हरो, पीर हरो ए मैया मेरी मुझ पर दया करो। देख रहे हैं मुनिवर, ये वही बंसल परिवार है जो समय के सारे सुख दुख को सहन कर आज प्रसन्न मुद्रा में एक साथ मेरे सम्मुख खड़ा है। नारायण नारायण, आप धन्य है माता, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जिस क्षण की प्रतीक्षा में था वो क्षण आ ही गया। देवों के देव महादेव, जो अपने अंगों पर चिता की भस्म रमाते, जिनके मस्तक पर जटाजूट है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनके कंठ में नागराज का हार है, विष ही जिनका भोजन है, जो दिगंबर धारी है, जिनके हाथों में डमरू त्रिशूल और कपाल शोभा पाते हैं, उस कैलाशवासी ने जगदीश की पदवी धारण की है। आपके तो बहुत सारे पुत्र हैं माते जो सीधे साधे हैं, परंतु मैं ही एक ऐसा पुत्र हूं जो अत्यंत चपल व चंचल हूं। मेरे अपराध को क्षमा कर और मुझ पर सदैव अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए। मुनिवर, जो भी मेरी शरण में आएगा उसके घर कभी दारिद्रता नहीं आएगी और ना ही कभी उसे अपने प्रियजनों से विछोह का कष्ट सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे कभी भी शत्रु से, लुटेरों से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से भय नहीं लगेगा। और जिस भी मंदिर में प्रतिदिन मेरी पूजा पाठ विधिवत होगी उस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो भी एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति ध्यान पूर्वक करेगा उसके सारे कष्ट सारी बाधाएं निश्चित ही दूर होंगी। माते, आपका हर स्वरूप तेजोमय है, मैं आपके हर स्वरूप का दर्शन करता हूं, परंतु एक शंका है, आपने इतने सारे स्वरूप क्यों धारण किए? मुनिवर, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से मुझे जाना जाता है। जब सालों तक वर्षा ना हुई तो शाक द्वारा लोगों के प्राणों की रक्षा करने हेतु लोगों ने मुझे शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्धि दी, और इसी अवतार में मैंने दुर्गम नाम के महादैत्य का वध किया तो मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और जब भीम रूप धारण करके रक्षा हेतु हिमालय में रहने वाले राक्षसों का भक्षण किया तो मुझे भीमा देवी के नाम से पूजा गया, और तब मैंने तीनों लोगों के हित के लिए छह पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण किया और उस महादैत्य अरुण का वध किया, तब लोगों ने मेरी भ्रामरी देवी के नाम से स्तुति की। नारायण नारायण, तेरी जय हो माते, तू ही दुर्गा, तू ही भ्रामरी, तू ही वनभावरी माते, तेरी जय हो।
मेरी माँ। अरे वाह विजय भाई। अरे राजेश तुम ऐसे में तुम्हारे कश्मीर में क्या कहते हैं? ऐसे में हमारे कश्मीर में कहावत है, अंत भला तो सब भला। बोलो भटपौरी माता की। तू ही अम्बे तू जगदम्बे, तू ही खप्पर वाली माँ। तू ही अम्बे तू जगदम्बे, तू ही खप्पर वाली माँ। तू ही भ्रामरी तू बन बोगी, देवों की रखवाली माँ। सबकी मंशा पूरी करती, सबकी मंशा पूरी करती। मैया मेरी मदद करो, ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो, मेरी पीर हरो।